अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं दुनिया की अच्छी यूनिवर्सिटियों में से एक यूनिवर्सिटी। जी हाँ नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं लम्स के बारे में। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे लम्स में एडमिशन क्या क्राइटेरिया क्या है, और स्पेसिफिकली इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूँगा, ब्रीफली गाइड करूँगा लम्स के एक प्रोग्राम है जिसे हम कहते हैं NOP। तो NOP क्या है, इसमें कब अप्लाई करते हैं और कौन अप्लाई कर सकता है, तो ये सारा आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लम्स स्टैंड फॉर नेशनल लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज, यानी लम्स में बिजनेस की स्टडी इंक्लूड है और इंजीनियरिंग की। तो मेन तो दो ये फील्ड है, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट भी है जैसा कि लॉ डिपार्टमेंट है और बाकी फील्ड भी हैं। खैर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली NOP के बारे में। तो चलें आज स्टार्ट करते हैं NOP के बारे में। NOP स्टैंड फॉर नेशनल आउटरीच प्रोग्राम। तो ये लम्स के एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया है जो कि पुअर पीपल्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। तो NOP की बेस पे आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है, 120% स्कॉलरशिप मिल जाती है, इवन अप टू 135% तक स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। तो यानी ना सिर्फ आपकी फ़ीस माफ़ हो जाती है बल्कि आपको लम्स अपनी तरफ से पॉकेट मनी भी देता है, आपको स्टाइपेंड भी मिलती है। तो ये पर सेमेस्टर आपको स्टाइपेंड भी देता है, यानी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी करता है, और आपकी पूरी फीस भी इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इवन आपका हॉस्टल भी फ्री होता है। तो अब हम बात करेंगे NOP स्कॉलरशिप किन के लिए है, कौन अप्लाई कर सकता है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो NOP में अप्लाई करने के लिए आपको होना चाहिए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो एटलीस्ट, ठीक है। जैसे ही आप मैट्रिक करके कंप्लीट करके फर्स्ट ईयर में एंटर होते हैं तो आप फर्स्ट ईयर में आते हैं, और फर्स्ट ईयर में जब आप एंडिंग की तरफ होते हैं यानी दिसंबर में जाके NOP के फॉर्म ओपन हो जाते हैं, और इसकी डेडलाइन मोस्टली होती है मार्च में, जैसा कि इस साल चल रही है डेडलाइन 2021 और 16 मार्च, यानी 16 मार्च तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 16 मार्च तक आप इस साल अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके मैट्रिक में मिनिमम 80% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। 80% से अगर कम है तो अप्लाई करने का कोई खास फ़ायदा ही नहीं है, तो क्योंकि फिर आपकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए रिकमेंडेड है कि 80% एटलीस्ट हो तो अप्लाई करें, अदरवाइज इतना लंबा फॉर्म फिल करना पड़ेगा आपको और सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। और ये 80% वेरी करता रहता है एरिया टू एरिया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लाहौर जैसी सिटी में हैं तो आपके एटलीस्ट 90% से अबव होने चाहिए, और अगर आप किसी बलूचिस्तान वाली साइड से हैं तो फिर आपके 80% भी इनफ होते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या आप बस फर्स्ट ईयर में भी ही अप्लाई कर सकते हैं NOP के लिए? तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर गैप ईयर हैं या आप सेकेंड ईयर में, आप फिर भी NOP के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ये होती है कि आपके सिलेक्शन के चांसेस फ्रेशेस से एज़ कम्पेयर टू फ्रेशेस थोड़े से कम हो जाते हैं, लेकिन आपने अगर वो जो गैप ईयर आपका आ रहा है उसे आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दे लम्स को, तो वो आपका वो कंसीडर कर लेते हैं और आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ये तो हो गया सिलेक्शन क्राइटेरिया, और इसके बाद आ जाता है NOP। बेसिकली इसमें होता क्या है, ठीक है। NOP में आपको बुलाते हैं 15 दिन के लिए, ठीक है। इन 15 दिनों में आपको कम्प्लीटली गाइडलाइन दी जाती है लम्स के बारे में और लम्स में एडमिशन के बारे में, और इसमें आपको सेट जो कि लम्स में एडमिशन के लिए एक टेस्ट होता है सेट वो, और आजकल लम्स ने एक न्यू प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया है LCAT, ठीक है। तो इन दो प्रोग्राम के बारे में आपको कम्प्लीटली प्रिपरेशन करवाई जाती है, और आपको यूनिवर्सिटी लाइफ का पूरा एज दिया जाता है, आपको पूरी यूनिवर्सिटी के बारे में आइडिया होता है, यूनिवर्सिटी में क्या मैनर्स होते हैं, क्या एटिकेट्स होते हैं, और इंटरटेनमेंट का आपका भरपूर ख्याल रखा जाता है। इन 15 दिनों में वो आपको सेट की तैयारी करवाएंगे, आपके प्रैक्टिस पेपर लेंगे, और आपको इंटरटेनमेंट के लिए डिफरेंट फंक्शनल अरेंज किए जाते हैं। तो ये 15 डेज आपकी लाइफ के बेस्ट डेज में से होते हैं, तो इसमें भरपूर इंजॉयमेंट भी होती है, लर्निंग होती है, ऑल ओवर द पाकिस्तान हर सिटी से बच्चे आते हैं, तो काफ़ी लर्निंग आउटकम्स होते हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है।
आपकी बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग हो जाती है, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है और आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए एक तो सैट की तैयारी हो जाती है, इसके अलावा आपको लम्स में एडमिशन का पूरा गाइड किया जाता है और इसके अलावा आपको स्कॉलरशिप मिलती है ये सेशन अटेंड करने का। और ये सेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। आपको लम्स हॉस्टल भी प्रोवाइड करेगा अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको 3 टाइम का खाना फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, सिर्फ ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंसिव आपको खुद बियर करने पड़ेंगे, बाकी हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। और इस तरह आप NOP अटेंड करते हैं, उसके बाद आपको फर्दर शॉर्टलिस्ट किया जाता है। अगर आप फर्दर शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आप जो सेट देते हैं उसका अप्लाई भी लम्स खुद करेगा और आपकी फ़ी भी खुद पे करेगा। और फिर आप सेट देते हैं और अगर आपका सेट में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो फिर आप लम्स में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और इस तरह आपका NOP के थ्रू फुल स्कॉलरशिप पे लम्स में एडमिशन हो जाता है। और याद रखिएगा, ये सिर्फ डिज़र्विंग पीपल के लिए है। तो अगर आप वाकई ही डिज़र्विंग हैं, आप वाकई ही पुअर हैं, देन इस प्रोग्राम में अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज़ किसी पुअर का हक नहीं मानना चाहिए बंदे को, ठीक है। अगर आप वाकई ही आपको लगता है आप डिज़र्विंग हैं, आप नहीं डिज़र्व करते, आप नहीं अफोर्ड कर सकते फीस, देन अप्लाई फॉर NOP, अदरवाइज़ प्लीज़ 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 डोंट ईट द राइट ऑफ अदर्स। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों से। थैंक यू सो मच।